देखिए, मेरा नाम अंचल विशाल है। आई एम फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मैं आज बीएमजी ग्रुप जो कि पिछले 20 साल से कराची चैम्बर की पॉलिसी को लीड कर रहा है और सर्विस दे बिजनेस कम्युनिटी को, मैं उसका वाइस चेयरमैन भी हूँ। माई ग्रुप के चेयरमैन है सियाज कासिम देवी साहब। और जहाँ तक बीएमजी का ताल्लुक है, पाकिस्तान की तमाम बिजनेस कम्युनिटी के अंदर बीएमजी का नाम हर आदमी, हर शख्स जिसका ताल्लुक बिजनेस से है, चैम्बर से है, ट्रेड बॉडी से है, ट्रेड पॉलिटिक्स है, वो बड़े अच्छे तौर पर जानता है बीएमजी क्या है और बीएमजी का मिशन क्या है, बीएमजी ने ये क्यों बेड़ा उठाया। एक्चुअली बीएमजी का मिशन और विजन बड़ा क्लियर है, टू सर्व बिजनेस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, टू सर्व बिजनेस कम्युनिटी। और सबसे पहले बिजनेस कम्युनिटी भी जब हम देते हैं, चूँकि हम कराची बेस हैं और कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है, हम कहते हैं इकोनॉमी का पहिया तब चलेगा जब कराची की इकोनॉमी का पहिया चलेगा, तो हम वी आर हेयर टू रिप्रेजेंट एंड टू सर्व कराची की बिजनेस कम्युनिटी को। और जब हम कराची बिजनेस कम्युनिटी कहते हैं तो भाली यहीं तक महदूद नहीं होते, हम तो ये कहते हैं कराची चैम्बर के आज 22,000 मेंबर हैं और इसके अलावा कराची का कोई शहरी कोई किसी मसले से जिसका ताल्लुक वो समझते हैं कि हमें कराची चैम्बर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए, कराची चैम्बर को उसके अंदर इन्वॉल्व उसका मसला हल करना चाहिए या कोशिश रख जाइए, तो हमने अपने दरवाजे हर कराची के शहर के लिए खोल रखे। इसलिए अगर आप 15-20 साल के अंदर देखें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, जब कराची शहर में एक बहुत बड़ा अफसोसनाक क्या हुआ, तारीख का अफसोसनाक वाक्य जब आग लगी या जब ये बम ब्लास्ट हुए और इस तरह कई जैसे सैलाब आए, तो ये कोई बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज वो नहीं थी कि हम आते, लेकिन हम आगे बढ़ के बीएमजी ने समझा, चूंकि ये कराची का मसला है, अगर कराची में बम ब्लास्ट होता है तो इसका मैसेज ना खाली डोमेस्टिक इन्वेस्टर को, बाहर के लोगों को जो इन्वेस्टर है उनको भी एक नेगेटिव मैसेज जाता है। सैलाब हो, लोग आए थे, हजारों मुतासरी कराची है, हमने उनको मुख्तलिफ कैंप्स में रखा, कराची में बहुत आग लगी एक मुर्दा मार्केट का, हजार मुतासरी थे। कराची चैम्बर द फर्स्ट वन टू कॉल प्रेसिडेंट उस जमाने के अंदर आसिफ जरदारी साहब को, फाइनेंस मिनिस्टर को ऑन बोर्ड लेके हमने एक एक बंदे को कंपनसेशन दिलाई, जो पाकिस्तान की तारीख का एक इनक्रेडिबल एक हिस्सा बन के कराची चैम्बर के अंदर ये तारीख में नाम लिखा जाएगा कि कराची चैम्बर ने और खासतौर से बीएमजी की क्यादत ने ये उन लोगों के मसाइल रखे जो बेचारे बहुत परेशान थे, रात रात फकीर बन गए 1,24,000 में। इसके अलावा चाहे फेडरल लेवल हो चाहे प्रोविंशियल लेवल हो, हमने भी सर्विस दी है और उसकी क्या वजूहत है कि लोग क्यों मुतमिन है, लोग इसलिए मुतमिन है कि आपने देखा 22,000 मेंबर हो गए बाबू, पिछले अर्सा 11-12 साल से कोई नॉमिनेशन पेपर भी लेने नहीं आता, हर आदमी आज़ाद इलेक्शन लड़ने में, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि वी हैव डन वी हैव प्रोवाइडेड सर्विसेज इन टू सेंस, ना हमारी कोई तनख्वाह है, ना हम इसका कोई उज्जत लेते हैं, ना इसी के हमने बिला खौफ व खतर दिल से नियत असम सिंसियरिटी डेडिकेशन हार्ड वर्क और अपने एफर्ट्स लगा के कोशिश करते हैं कि कोई मसला हो, टैक्सेशन के हवाले से हो, बजट के हवाले से हो, पानी या बिजली के हवाले से हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स के हवाले से हो, बैंकिंग के हवाले से हो, इंश्योरेंस के हवाले से हो, कस्टम के हवाले से हो, और ख़ासतौर से वो मामला जिनका एक आम ताजिर को रोज़ का वास्ता पड़ता है, लॉ ऑर्डर के हवाले से हो, तो हमने अपर थ्री लेवल जो ऊपर लेवल होती है अप टू द राइट टू द प्राइम मिनिस्टर लेवल पे हमेशा अपने अपने मौका बड़े वाजिया तौर पे और सामने पेश किया है, बजाय कि हम चमचम की गए गवर्नमेंट्स के मिनिस्टर्स की कोई भी आदेता हो, हम बड़ी क्लियर अगर जहाँ एप्रिसिएशन की बात होती है हम एप्रिसिएशन कहते हैं और जहाँ बात होती है हम समझ जाते हैं ये नॉट इन द बेनिफिट ऑफ बिजनेस कम्युनिटी, तो हम वहाँ पे खुल के तनकीद भी करते हैं गवर्नमेंट को। और ये बीएमजी का पॉपुलर ना ये खाली हमारे एफर्ट से नहीं हुआ, कराची की तमाम बिजनेस कम्युनिटी यकीनी तौर पर ये समझती है कि बीएमजी इज देयर टू हेल्प यू आउट, टू लीड देम, टू रिप्रेजेंट देम इन ए वेरी सिंसेयर डेडिकेटेड मैनर। और जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, यही वजह है कि पाकिस्तान के तकरीबन 90% जो बिजनेस कम्युनिटी है खासतौर से कराची की, ब्लाइंड फेथ करती है बीएमजी के ऊपर। यकीनी तौर पर कराची की बिजनेस कम्युनिटी बजा तो हमें सवाल पूछना चाहेगी कि ऐसी क्या वजूहत है, क्या बीएमजी के अचीवमेंट हैं जो जिसकी बुनियाद पर उनको हम आइंदा भी सपोर्ट करें। तो बीएमजी लामाला तौर पर जैसे मैंने कहा कि बड़ी डेडिकेशन से, बड़ी सिंसेरिटी से, सिंसेर एफर्ट्स के साथ आपकी खिदमत के लिए मौजूद है 24/7, यानी कि 9-to-5 चैम्बर खुला है 24/7। और अगर आपने देखा कि पहले क्या होता था, चैम्बर का पैसा इस्तेमाल होके यूज़ हो जाता जितना बजट है, यहाँ आके जब सियाज भाई ने ये चार्ज लिया एज ए चेयरमैन और तमाम वाइस चेयरमैन ने और हमारे तमाम जो अहदेदार हैं जो पिछले 15-20 साल में प्रेसिडेंट आए हैं, सबने ये अहद लिया था कि बिजनेस कम्युनिटी का पैसा जो मेंबरशिप की स्रोत में मिलता है या किसी और स्रोत में मेरे पास आता है, जैसे हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो मैं फीस अदा करते हैं अपने सर्टिफिकेट लेने के लिए, वीज़ा की फीस होती है,
तो आज 22 करोड़ में साल का जमा होता है। पहले क्या होता था, साल के आखिर में चैम्बर जो है तकरीबन एक तरह से उनके खजाना खाली होता जब कोई भी पेशेंट जाता था। अब माशाल्लाह हमने जो पैसा जमा करना शुरू किया, हमारा एक ड्रीम था, बीएम जी का ख्वाब था जो कराची के बिजनेस को भी तोहफा दे देना है। तो उसके आज ये नतीजा निकला कि हमने कोई 45 करोड़ रुपए की मालियों से आज क्लिंटन के इलाके में हमें चूँकि शहर कराची चैम्बर पुराने इलाके में है तो लोगों आने जाने में बहुत तकलीफ होती थी। बावले आने से गुजराते थे, ट्रैफिक वहाँ जैम रहती है अक्सर, सिक्योरिटी के भी मसले हो सकते थे पुराने शहर एरिया से। तो हमने क्लिंटन के इलाके में बहुत बड़ा प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया और ये बिल्डिंग पाकिस्तान की तारीख में इंशाल्लाह कराची चैम्बर ना दूसरे एक संगे मिल होगा। ये जो बिल्डिंग बनेगी इसमें हमने रिसर्च डिपार्टमेंट जो ऑलरेडी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट और तमाम दूसरे शोबा जहाँ जो भी हमें जगह में से प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये मैं समझता हूँ एक कराची का लैंडमार्क बनेगा ये वाला कराची चैम्बर और मुझे उम्मीद है कि दूसरे चैम्बर से इसको फॉलो करेंगे। सेकेंडली हम चाहते हैं चैम्बर को मॉडर्न तरीके से आज की रिक्वायरमेंट 21वीं सदी की रिक्वायरमेंट से ना कि ट्रेडिशनल एक ट्रेडिंग मर्चेंट कोई हब बना इसको किया जाए, नो, हम चाहते हैं इसको आज के हिसाब से हकीकत देखी जाए तो आज की जो बिजनेस कम्युनिटी है खासतौर से बिजनेस कराची की बिजनेस कम्युनिटी, क्योंकि आपके जो FBI का ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है, आपके एक छोटी छोटी इशू के लिए आपको इस्लामाबाद भागना पड़ता है और एक आम आदमी जो है अपने जो आज के जो बिजनेस के मसाइल हैं और जो ट्रांसपोर्टेशन का जो हाल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कराची का हाल है, तो उसके अंदर कैसे सुनवाई हो। तो मैं तमाम बिजनेस चाहे वो यहाँ पे आज इंपोर्टेशन के मसाइल हो, रात तो आप कंसिडी वैल्यू कर दी जाती है बगैर स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड लिए हुए, आपके SROs तवातर से आज चले आते हैं, FBR के ऑडिट के नोटिस हर एक को चले आ गए हैं, बट इसके बावजूद कमिटमेंट ये हुई है कि आपका ऑडिट नहीं होगा। तो एक जो खौफ की समा होगी, खौफ का एक समा होगा, एनवायरमेंट होगी, इस एनवायरमेंट में बिजनेस नहीं हो सकता, बिजनेस फल फूल नहीं सकता। तो ये बेचारे आम छोटे ताजे दरमियाने ताजे कहाँ जाए। तो मेरी उनसे एक दरख्वास्त है कि आपके लिए सबसे बेहतर हल है कि आप कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म के नीचे जमा हो। और कराची की जब चैम्बर की प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ तो समझता है BMG ग्रुप की, आप BMG ग्रुप को सपोर्ट करें, क्योंकि मैं नहीं समझता कोई ऐसा इशू हो जो आज तक किसी हवाले से हो पिछले 20 सालों में। ऑब्वियसली बहुत मसाइल आए होंगे, बहुत इशू होंगे, बहुत ऐसे बजट आए होंगे जो अच्छे नहीं होंगे जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा, कोई एक ऐसा मौका मैं नहीं समझता कोई कराची में एक शहरी ये बता सके या साबित कर सके कि जब वो कराची चैम्बर आए हो और BMG ने उनको अपनी हद तक मकदूर काविश और कोशिश के बावजूद उनको रिप्रेजेंट ना किया हो। हमने हमेशा उनको रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट करते रहेंगे, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चाहे कोई हो, चाहे FBR हो, चाहे हम उनकी नाराजगी मोल लेते हैं, हमारा कोई साथी इंटरेस्ट नहीं है। हम चाहते हैं अगर किसी बिजनेस कम्युनिटी के किसी मेम्बर का, किसी बिजनेस एंटरप्रेन्योर का कोई ऐसा जेन्युइन इशू है, वी मस्ट रिप्रेजेंट हिम इन ए सिंसियर डेडिकेटेड और अपने एफर्ट्स लगा के उसके मसले को अगर ख़त्म नहीं कर सकते, कम कर सकते तो कम करें। और हम आपको यकीन दिलाने के आते हैं जैसे पिछले 20 साल से BMG आपकी सर्विस कर रहा है, ऐसे आइंदा आने वाले सालों में भी BMG से इससे बेहतर अंदाज में कोशिश करेगा कि आपको आपके मसाइल के हवाले से कहीं जाना ना पड़े। कराची चैम्बर आपका प्लेटफॉर्म है, कराची चैम्बर आए, कॉन्टेक्ट में है। आज का एक बहुत बड़ा इशू है कि आज का नौजवान जो लाखों की तादाद में हर साल जॉब मार्केट में आए हैं, हमारा अंदाजा है जो हमारी रिसर्च कहते हैं कि 28 से 30 लाख नौजवान हर साल जो एज के बाद जो स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटी से फारिग हुए हैं वो जॉब मार्केट में आते हैं। इनको ना गवर्नमेंट जॉब दे सकती है ना प्राइवेट सेक्टर आज की मौजूदा माशी सूरत हाल में इनको खपत कर सकती है। तो इसका क्या एक हल है, क्या ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन ये है कि लोग नौजवान चाहे ख्वातीन हो, चाहे मर्द हो, लड़के हों, लड़कियाँ हों, ये जॉब बिजनेस की दुनिया में आए। अब कह देना कि बिजनेस आज या स्टार्ट करने आसान नहीं है, इट्स अ वेरी कम्पिटेटिव एनवायरमेंट। और ये तो इसके लिए कराची चैम्बर, ये जो हजारों लाखों नौजवान जो कराची जॉब मार्केट में आते हैं, एक आइडियल प्लेटफॉर्म है। हम इनको गाइड कर सकते हैं कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, IT सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं, इम्पोर्ट्स के कुछ एरियाज हैं, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, तो उनको प्रॉपर तौर पर गाइड कर सकते हैं। तो ये नौजवान और ख़ासतौर से ख्वातीन जो खाली एक ही सेक्टर में हमेशा जाती हैं, वो ये जो गारमेंट की जो ड्रेसिंग बनाती हैं, बोटिंग बनाती हैं, मैं कहती हूँ इनसे आगे बढ़े, फ्यूचर एक बहुत बड़ा, यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत बड़ा पोटेंशियल है और ख़ासतौर से कराची में भी। तो जब ये बिजनेस में आएंगे ये खुद भी बिजनेस करेंगे, जॉब भी क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए BMG ने ख़ासतौर से कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म से वी आर ऑलवेज देयर टू प्रोवाइड देम गाइडेंस, उनको गाइड करते हैं, सही गाइड भी करते हैं आज। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बिजनेस के लिए कराची चैम्बर BMG की तरफ से सर्विस है। तो आज के ज़माने में आज ये मॉडर्न दुनिया बिजनेस जो होता है एट द स्पीड ऑफ लाइट होता है, जैसे बिल गेट्स ने अपनी किताब लिखी थी, ये बिजनेस हफ्तों महीनों और दिनों का काम नहीं रह गया,
तो जब हम चाहते हैं बिजनेस एट द स्पीड ऑफ लाइट हो, और इसका मतलब ये होता है कि क्वांटम लीप हमारे चेंज आए, हमारी प्रोडक्ट्स पता होंगे पाकिस्तान क्या बनाता है, क्या प्रोड्यूस करता है, हु इज द मैन्युफैक्चरर, हु इज द सप्लायर, तो भावला कैसे जो पहले लॉन्ग ऑर्डर जो क्या थे पाकिस्तान आ नहीं सकते थे, तो उनको एक ही तरीका है कि आज की उनको जब इन्फॉर्मेशन एट द टिप जो वो प्रेस करें, वो दबाएं, वहाँ चाहे सोशल मीडिया पेज पर जाएँ, चाहे वेबसाइट पर जाएँ, चाहे मालूम करें, तो उनके उनके टिप पर अवेलेबल हो जाए कि लेदर कौन बना रहा है, टेक्सटाइल कौन सब थोड़ा छोटा है। तो वी आर गोइंग टू चेंज दिस चैम्बर इन यू ए मॉडर्न आई टी सेंटर, जो एक इस पूरे खत्ते में मैं समझता हूँ ये चैम्बर, जब ये बिल्डिंग इंशाल्लाह अगले साल तक तैयार होगी, अगले साल के आखिर तक लोग एक बहुत बड़ी तब्दीली देखेंगे दी वे चैम्बर्स वर्क। और रिसर्च माई इसके अंदर काफ़ी स्टाफ बढ़ाने जा रहे हैं जो मेम्बर्स को कॉल के ऊपर बता दिया करेंगे कोई उनको मतलूबा मालूम या सर्विस चाहिए हो जो कराची चैम्बर के पैरामीटर्स में आती है, तो वी विल प्रोवाइड दो सर्विसेज। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जो सर्विसेज हम जो वादा कर रहे हैं, जो वादा कर रहे हैं और जो हमने पहले भी जितने वादे किए हैं 100% हमने अपने वादे कंप्लीट मुकम्मल किए, मतलब कोई ये नहीं कह सकता आपने ये बात की तो आज हम चैम्बर में देखते हैं, वहाँ अपना बड़ा अच्छा है। और इसके अलावा जब इस सेक्टर में इंशाल्लाह मूव होंगे अगले साल के आखिर तक, हम अपनी चैम्बर की जो मेम्बरशिप है जो आज 22 लाख है, जो अच्छी बात है, कराची चैम्बर दुनिया का 8वां चैम्बर है। मैंने अपने लीडरशिप सबसे बात की है ग्रुप में, हम चाहते हैं कराची चैम्बर को क्यों ना वर्ल्ड लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना दिया जाए। अगर हम 3 लाख मेंबर बना लेते हैं तो कराची चैम्बर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट चैम्बर, और इंशाल्लाह ये हमारा नया मिशन होगा और ये इज डूएबल, टू से इट इज डिफरेंट एंड टू डू इज डिफरेंट। और इंशाल्लाह हम ये करके दिखाएंगे कि कराची चैम्बर को दुनिया का सबसे बड़ा चैम्बर बनाए। इसका मतलब ये होगा कराची की जिस बिजनेस कम्युनिटी है, चूँकि फीस बहुत मामूली है, सालाना फीस बहुत मामूली ना होने के बराबर है, और सर्विस हम कहीं ज़्यादा देते हैं, तो ये चैम्बर इंशाल्लाह चंद सालों में 2025 तक हमारा ये कराची का चैम्बर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चैम्बर इंशाल्लाह बनने जा रहा है, और हमें इसमें बिजनेस कम्युनिटी सपोर्ट चाहिए। सेकेंडली जो सबसे आखिर में कहूँगा मैसेज, बिजनेस कम्युनिटी लोगों से मेरा एक मैसेज है BMG की तरफ से, कराची चैम्बर की तरफ से, ट्रस्ट अस लाइक द वे यू हैव ट्रस्टेड इन द पास्ट, वी विल नॉट डिसअपॉइंट यू, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। हम जानते हैं चूँकि वहाँ जो ऑफिस बेयर्स आते हैं बड़ी छानबीन के बाद आते हैं, जो मैनेजिंग कमेटी के मेम्बर्स आते हैं, 30 मैनेजिंग कमेटी के मेम्बर्स मुख्तलिफ सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, तो वो जब उनकी हम एक्सपर्टीज और पुराने मेम्बर्स को हम फारिग नहीं कर देते, हम उनको एडवाइज़र की कैपेसिटी में हमेशा रहते हैं कमेटीज़ के अंदर, ताकि वो नए आने वालों को एडवाइस करें जो पुराने अपने एक्सपीरियंस के बुनियाद पर। तो चैम्बर ना किसी एक शख्स का चैम्बर है, ये 22,000 साल का चैम्बर है, आप आएँ इस चैम्बर को मजबूत करें, आपको कोई इश्यूज़ हैं आप आएँ, ये चैम्बर के दरवाजे कराची के हर शहर के लिए खुले हैं, खासतौर से बिजनेस के लिए। इसके साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं BMG के बारे में वो बातें कर सकूँ, शायद जो आम बिजनेस कम्युनिटी के जहन में नहीं है, ये वो मालूम नहीं है। थैंक यू।